दोस्तों, मैंने काफी सारे लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, अपने मैंने खुद काम किया है और रिसर्च कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। तो कुछ ऐसी चीजें मैंने निकाला है जो सफल नेटवर्कर करता ही है। ये जो बात आप सीखेंगे इसको अपने टीम में भी बताना है और आपको भी अप्लाई करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं केके सिन्हा, लेखक, मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है इस बिजनेस में तो आपको ये 8 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे सफल लोग यही अपनाते हैं और इसी से ही वो आगे बढ़ते हैं। पहला काम वो करते क्या है, दे नो व्हाई दे डूइंग दिस बिजनेस। वो जानते हैं वो क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। पहले अपने वाई को क्लियर जरूर करिए, आप क्यों करना चाहते हैं। देखिए, आपका अगर अपलाइन बोल रहा है कि ये आपका ड्रीम है तो वो आपका ड्रीम नहीं हो सकता। आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर कौन सा है, आपके अंदर वो जलन क्या है, ये ना आप समझे कि मेरा जो बुक नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया धूम अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि आप अपने वाई को कैसे क्लियर करेंगे, कौन सी चीज है जो आपके अंदर में जल रही है, जिसको पूरा करना है, क्यों आप पैसा कमाना चाहते हैं। वो पहले वाई को क्लियर करिए। सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल व्यक्ति है ना, वो पहले अपने वाई को क्लियर करते हैं कि क्यों हमें ये बिजनेस करना है। क्योंकि बेसिकली ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो लोग पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। जॉब करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, दुकान चलाते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, डॉक्टर है, पार्ट टाइम कर रहा है, वकील है, पार्ट टाइम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, पार्ट टाइम कर रहा है, चार्टर अकाउंटेंट है, पार्ट टाइम कर रहा है। तो ये मतलब वो लोग जानते हैं कि क्यों ये बिजनेस करना है, इसीलिए आपको भी वो वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, वो लोग दूसरा जो चीज है ना, वो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी अपने जो है फैमिली रिलेटिव्स को पहले इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं, इसलिए आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव ये क्या करते हैं, ज्यादातर हंसते हैं, आपके क्वालिटी पर हंसते हैं, आपके एबिलिटी पर हंसते हैं। तो जो सफल बने हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, पहले अपने परिवार और रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, वहां से निकलकर दूसरे लोगों को पकड़ते हैं, चाहे जान पहचान हो, चाहे वो अनजान हो, कोई भी हो, वहां से वो लोग शुरुआत करते हैं। जब सफल बनते हैं तब वो अपने परिवार और रिश्तेदारों को, क्योंकि रिश्तेदार बाद में आते ही हैं, रिश्तेदार आपके सफलता देखने के बाद आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके पास आएंगे ही ये बिजनेस करने के लिए। तो सफल नेटवर्कर यही करता है, पहले अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के दूसरे लोगों को वो ट्राई करता है। ये सफल नेटवर्कर की दूसरा गुण। तीसरा, दे नो देयर टारगेट। वो जानते हैं कि कौन सा टारगेट अच्छा है, वो पहले देखते हैं, उनके साथ बात करते हैं। टारगेट उन लोगों का मार्केट होता है, अच्छा एक टारगेट मार्केट होता है जहां पर वो लोग जाते हैं, जाने के बाद उन लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उन लोगों का काम हो जाता है। ज्यादातर लोग अपने टारगेट को नहीं जानते, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं अपने कोर्स को ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडरशिप है, जो कोर्स है, वहां पर मैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप लोगों को बताता हूं। जबरदस्त कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप घर बैठे कर सकते हैं, तो ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां पर आप जरूर आइएगा। चौथा पॉइंट क्या है, वो कौन सा काम करते हैं, द नेवर स्टॉप टू लर्निंग। वो कभी रुकते नहीं है सीखने के लिए, हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, जितना सीखेंगे उतना ही ग्रोथ करेंगे, अपने ब्रेन को हमेशा फीड करते रहते हैं। ये है चौथा काम। पांचवा काम, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम ये है कि वो लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने दिमाग को ज्यादा इस बिजनेस में ना, दिमाग को अपना लगाते नहीं है। वो क्या करते हैं, हमेशा डुप्लीकेट करने में अपना टाइम लगाते हैं कि अपलाइन कैसा बोला, अपलाइन ने कैसे किया, उसको सीखा और उसको डुप्लीकेट किया, कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन किया, उसको सीखा, उसको डुप्लीकेट किया। कभी भी अपने अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि जो प्रूवन सिस्टम है उसी को फॉलो करके ही लोग आगे बढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं। यही सफल नेटवर्कर करते हैं, आप भी इसको करिएगा। पॉइंट नंबर 6, वो है आपका, दे यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली। वो सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसको अगर आप सही ढंग से अगर आप अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आप वहां से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को आप खींच सकते हैं, वहां से आप बहुत सारे लोगों को आप जुड़वा सकते हैं। सोशल मीडिया के बारे में कैसे क्या करना है उसको अगर जानना है तो आप मेरा बुक नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया धूम उसको जरूर पढ़िए। वहां पर मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है कि कैसे आप सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करके आप जो है अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। सात नंबर पॉइंट, वो एक ऐसा चीज है, वो क्या करता है, कभी रुकते नहीं, थकते नहीं है, कंसिस्टेंटली वो वर्क करते रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, फोकस रखते हैं, क्यों वो पहले क्लियर करते हैं ना, इसलिए वो फोकस रखते हैं, फोकस करके वो इसी पर काम करते हैं, चाहे हो या ना हो, आज नहीं तो कल। वो अपना एक टारगेट रखते हैं कि 5 साल के बाद मुझे यहां पर पहुंचना है, तो 5 साल के लिए वो किसी की बात नहीं सुनते, वो उसी गोल की दिशा पर वो आगे बढ़ते हैं। आपको भी ठीक उसी तरह ही बढ़ना है। आठ नंबर पॉइंट वो है, दे गिव
वैल्यू एंड रेस्पेक्ट टू देयर प्रोस्पेक्ट। हमेशा ये काम जरूर करिए, अपने प्रोस्पेक्ट को आप वैल्यू दीजिए, रेस्पेक्ट करिए अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने कस्टमर्स का हमेशा रेस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे, आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई बंदा उसको आकर ले जाता है। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, कनेक्टिविटी आपका रहना चाहिए, कनेक्शन जो है आपका बहुत अच्छा और बेहतर होना चाहिए, आपका रिलेशन एक अच्छा बॉन्डिंग आपका होना चाहिए। वो भी आप मेरे बुक्स में डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं कैसे अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन आप बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ये जो 8 पॉइंट आपको सीखना है, आपको अपने टीम में अप्लाई करना है, सफल नेटवर्कर यही अप्लाई करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए किस टॉपिक पे नेक्स्ट में वीडियो चाहिए, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये आपने देखा ना, अपने टीम को व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर ठोकिए, इससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। नए हैं इस चैनल में, आप देखो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आता जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल जरूर दबाइएगा, ठीक है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार।